नमस्कार, मैं विवेक रे हूं और भक्ति वचन में आपका स्वागत है। हम एक सहमति रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं और आज तीसरा दिन है। पिछले दो दिन में हमने यीशु की वंशावली को देखा। हमने देखा कि किस तरह परमेश्वर ने शुरू से ही इतिहास में यीशु को लाने की योजना बनाई हुई। आज हम यीशु के मानव जन्म की घटना को देखेंगे। वैसे यीशु के जन्म की घटना समझने के लिए हमें मत्ती और लूका दोनों में दिए हुए वृत्तांतों का अध्ययन करना चाहिए, पर हम मत्ती पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मत्ती हमें यूसुफ के दृष्टिकोण से यीशु के जन्म की घटनाओं के बारे में बताता है। आइए हम अध्याय 1 के 18 पद से पढ़ेंगे और देखेंगे कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। जब उसकी माता मरियम की यूसुफ के साथ सगाई हुई तो विवाह होने से पहले ही पता चला था कि वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती है। किंतु उसका भावी पति यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था और इसे प्रकट करके लोगों में उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने निश्चय किया कि चुपके से वह सगाई तोड़ देगा। किंतु जब वह इस बारे में सोच ही रहा था, सपने में उसके सामने प्रभु के एक दूत ने प्रकट होकर उससे कहा, ओ दाऊद के पुत्र यूसुफ, मरियम को पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो बच्चा उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी तो तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि प्रभु ने भविष्य वक्ता द्वारा जो कुछ कहा था पूरा हो। सुनो, एक कुंवारी कन्या गर्भवती होगी, एक पुत्र का जन्म देगी जिसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। और जब यूसुफ की नींद से जागा तो उसने वही किया जिसे करने की प्रभु ने के दूत ने उसे आज्ञा दी थी। वह मरियम को ब्याह कर अपने घर ले आया, किंतु जब तक उसने पुत्र को जन्म नहीं दिया वह उसके साथ नहीं सोया। यूसुफ ने बेटे का नाम यीशु रखा। एक बात जो मेरे को हमेशा परेशान करती है वो ये कि हम अक्सर बाइबल को एक परी कथा की तरह पढ़ते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इसमें असली लोग शामिल हैं जिनकी वास्तविक भावनाएं थी। जब हम ऐसा करते हैं तो हम इस बात से चूक जाते हैं कि परमेश्वर हमें इन लोगों के माध्यम से क्या सिखाना चाहते हैं, कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे अंदर क्या करना चाहते हैं, इस बात से हम चूक जाते हैं। उदाहरण स्वरूप यहां उसी यूसुफ को ही देखिए, उसकी भावनाओं को समझिए। वो एक जवान युवक था जिसकी शादी होने वाली थी, सगाई हो चुकी थी। वो अपनी शादी को लेकर उत्साहित होगा, सपने बुन रहा होगा। अचानक उसकी भावी पत्नी उसे बताती है कि वो गर्भवती है और वो उसका पिता नहीं है। अगर आप यूसुफ की जगह होते तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती, आपका रिएक्शन क्या होता, कितनी तकलीफ होती, तब दर्द होता, शायद गुस्सा भी आता। यूसुफ की भी यही भावनाएं रही होंगी, परंतु यहां लिखा है कि यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था। धर्मी मतलब धार्मिक नहीं, धर्मी मतलब अच्छा व्यक्ति, जो परमेश्वर की नजरों में भी अच्छा हो वही धर्मी कहलाता है। यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था, इसलिए उसने सोचा कि मरियम से चुपचाप वो अपनी सगाई तोड़ दे। उन दिनों सगाई हो जाना शादी जैसी ही पक्की प्रतिबद्धता, पक्की कमिटमेंट हुआ करती थी। बिना कारण सगाई तोड़ना आसान नहीं था, आजकल जैसे नहीं। और यूसुफ सोच रहा था कि चुपचाप वो मरियम के साथ सगाई तोड़ दे, बिना कोई उस पर लांछन लगाए, बिना कोई किसी को कोई कारण बताए। इस परिस्थिति में हमें यह लिखता है कि यूसुफ किस प्रकार का व्यक्ति था और क्यों लिखा है कि वो धर्मी था। बहनों और भाइयों, परमेश्वर ने उसे चुना था। परमेश्वर को पता था कि मरियम अगर परमेश्वर के पुत्र की माता होगी तो यूसुफ उसका सांसारिक पिता होगा। वो परमेश्वर के पुत्र की हिफाजत करेगा, उसे बुद्धि और बल में बढ़ने में उसकी सहायता करेगा। परमेश्वर ने यूसुफ में कुछ तो देखा होगा जो उसे इस महान पर कठिन कार्य के लिए चुना। जब मैं यहां पे दिए हुए वृत्तांत को पढ़ता हूं तो मेरे को यूसुफ के बारे में ये दो बातें समझ में आती है। एक, वो चरित्रवान व्यक्ति था, और दूसरा वो एक
आज्ञाकारी पुरुष था, आज्ञाकारी व्यक्ति था, आदेशों को मानने वाला व्यक्ति था। यहां कुछ ही पंक्तियों में हमें दिख जाता है कि यूसुफ चरित्रवान पुरुष था। यहां लिखा है कि यूसुफ ने मरियम से चुपके से सगाई तोड़ने की सोची। अगर हम नियम और व्यवस्था को देखें तो उसको पूरा हक था कि वो मरियम को सार्वजनिक तौर से कलंकित कर सकता था, बदनाम कर सकता था, यहां तक कि वो मरियम को मौत की सजा भी दिलवा सकता था। परंतु उसने इसके विपरीत मरियम को चुपके से छोड़ देने की सोची। ये उसके चरित्र को दर्शाता है। मुझे दो चीजें दिखती हैं उसके चरित्र में। एक, वो प्रेम को नियम और व्यवस्था के ऊपर रखता था। दूसरा, वो दूसरों को अपने से ऊपर रखता था। पहला, वो प्रेम को नियम के ऊपर रखता था। वो मरियम को कलंकित करना नहीं चाहता था। प्रेम ने नियम को, व्यवस्था को हरा दिया। उसके लिए प्रेम नियम और व्यवस्था से ज्यादा महत्वपूर्ण था। मनुष्य और संबंध दंड से ज्यादा आवश्यक थे। वो शायद गुस्से में होगा, आहत होगा, निराश होगा, फिर भी वो मरियम से प्रेम करता रहा। प्रेम ने कानून और बदले की भावना को पराजित कर दिया। और दूसरा, वो औरों को अपने से आगे रखता था। मैंने बताया उन दिनों बिना कारण सगाई तोड़ना आसान नहीं था, और उसने सोचा कि वो चुपचाप बिना आरोप लगाए ऐसा कर देगा। अब सोचिए, लोग कहते कि उसने शादी से पहले खुद ही मरियम के साथ संबंध बनाए होंगे, इसीलिए तो वो मरियम से नाराज नहीं है, इसलिए वो चुपचाप छोड़ रहा है। उसमें कोई कुछ कर नहीं रहा, कोई लांछन नहीं लगा रहा, उसको बदनाम नहीं कर रहा, उसे अदालत लेकर नहीं गया। जरूर यूसुफ ने ही कुछ गलत किया, पर उसने इसकी परवाह नहीं, इन सब की परवाह नहीं की। उसने मरियम को अपने से ऊपर रखा, अपने से आगे रखा। एक प्रकार से उसका वही मनोभाव था, वही एटीट्यूड था जो यीशु का होने वाला था। यीशु ने प्रेम को व्यवस्था के ऊपर रखा और क्रूस पर चढ़ गया। उसने हमें अपने आप से ऊपर रखा और हमारे लिए अपना बलिदान दे दिया, अपने आप को दे दिया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया। यही यीशु का हृदय है, यही यूसुफ का हृदय भी था, इसलिए वो चरित्रवान व्यक्ति था और वो आज्ञाकारी भी था। हमें ये इस अध्याय में और फिर दूसरे भी अध्याय में दिखता है, दूसरा अध्याय में भी यही दिखता है कि परमेश्वर ने यूसुफ को यीशु के संसारिक पिता के रूप में चुना था। तो उसने क्या देखा? जो बात मेरे को समझ में आती कि परमेश्वर ने उसका व्यक्तित्व नहीं देखा, ये नहीं देखा कि वो कैसा दिखता है, वो काम क्या करता है, उसका बिजनेस सेंस कैसा है, ये सब नहीं देखा। यीशु में जो विशेषता मुझे को दिखती है, जो बिजली के भांति कौंधती है, वो ये कि उसने परमेश्वर की निर्देशों का मान को माना और उसको मानने की उसमें प्रबल इच्छा थी। परमेश्वर के निर्देशों को मानने की उसमें प्रबल इच्छा थी। वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर का अनुसरण करता रहा। जब परमेश्वर ने उससे कहा कि गर्भवती मरियम से शादी कर ले, तो उसने वही किया। जब परमेश्वर ने कहा कि यीशु और उसकी माता को लेकर मिस्र चला जा, हम दूसरे अध्याय में देखेंगे, उसने वही कहा किया। जब उसने कहा इज़राइल वापस आ जा, उसने वैसा ही किया। कभी कभी हमको लगता है कि आज्ञाकारिता का हम बहुत गलत मतलब निकाल लेते हैं। हमको लगता है कि आज्ञा मानने का मतलब है विचारहीनता से आज्ञा मानना, आदेशों का मानना, अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करना, दिमाग को साइड पे रखो, बस आदेश मानते रहो, एक पालतू कुत्ते की तरह। एक पालतू कुत्ता, उसका मालिक बोलता है बैठो तो वो बैठता है, खड़े हो तो खड़े हो, हैंडशेक करो तो हैंडशेक करता है। वो आज्ञा पालना मानना नहीं है, वो ट्रेनिंग है। सोचो मत, दिमाग मत लगाओ, तो जैसा सिखाया गया है बस करते जाओ। जो बोला जैसे बोला चुपचाप करो, एक रोबोट की तरह। गाना गाओ, बाइबल पढ़ो, चर्च जाओ, प्रार्थना करो, दशवांश दो। परमेश्वर को ऐसी आज्ञाकारिता नहीं चाहिए। वास्तविक आज्ञाकारिता परमेश्वर के साथ संबंध, उसके साथ रिलेशनशिप से उपजती है। आज्ञाकारिता मेरे लिए ये तीन शब्द हैं, तीन शब्द, प्रेम, भरोसा और गर्व। प्रेम, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे असीम प्रेम करता है,
उसके हृदय में हमारे लिए सिर्फ हित सर्वोपरि है। बाइबल में लिखा है कि मेरी योजनाएं तुम्हें आशीषित करने के लिए हैं, तुम्हें सफल करने के लिए, तुम्हें खराब तुम्हारा खराब करने के लिए नहीं है, तुम्हारा अहित करने के लिए नहीं है। और इस बात से हमें भरोसा आता है, हमें भरोसा करते हैं कि जो परमेश्वर आदेश दे रहा है उसी में हमारा हित है। और इस भरोसे से, विश्वास से हम कर्म करते हैं, हम आज्ञा का पालन करते हैं। तीनों चाहिए, प्रेम भी चाहिए, भरोसा भी चाहिए, कर्म भी चाहिए। प्रेम के बिना कर्म सिर्फ एक घिसा पिटा बेजान नीरस धर्म मात्र है, an empty religion, nothing more than that, बिना प्रेम के। और कर्म के बिना प्रेम केवल एक व्यर्थ शब्द है। अगर कर्म नहीं है प्रेम के हिसाब से तो वो प्रेम का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ एक शब्द है। और दोस्तों, भाइयों और बहनों, आसान है आज्ञा को मानना जब हम पूरी योजना हमें समझ में आ जाती है, जब हमें पूरा प्लान दिख जाता है, हमें पता है कि क्या होने वाला है। अगर परमेश्वर हमें पूरा का पूरा मार्ग हमें दिखा दे तो आदेशों को पालना मानना बहुत आसान है। पर ऐसे में भरोसे की बात कहां रह जाती है? हमें तो पता है हम कहां जा रहे हैं, ऐसे में भरोसा कहां है? भरोसा तो तब करना होता है जब मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं सब कुछ नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ समझता है और मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं। तीन शब्द, सच्ची आज्ञाकारिता के तीन स्तंभ, प्रेम, भरोसा और कर्म। सोचिए जब सपने में देवदूत ने आकर साधारण जवान यूसुफ से कहा होगा, मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती है, पुत्र का नाम यीशु रखना, वो दुनिया का उद्धार करेगा, तो इस गांव के लड़के को क्या पल्ले पड़ा होगा, बेचारे को क्या समझ आया होगा। पर उसका भरोसा परमेश्वर में था, वो उसके प्रेम को जानता था, इसके लिए उसने वो किया जो एक साधारण व्यक्ति के लिए कठिन था। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, उससे हम बातचीत करें और चाहे कि उसका प्रेम का प्रकाशन हमें मिले, हम उस पर भरोसा करने पाए और वो जो चाहता है हम वो करने। कई बार हम अपने पर भरोसा करते हैं तो उस पर भरोसा नहीं। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं तेरा कि तू हमसे प्रेम करता है, यीशु के रूप में तूने आके अपना बलिदान करके क्रूस के ऊपर अपने प्रेम को साबित किया। तू जानता है और तेरे हृदय में हमारा सिर्फ और सिर्फ हित, तू हमारा भला चाहता है, पर फिर भी हम तेरे पर भरोसा नहीं करते, हम अपने आप पे भरोसा करते हैं और अपने आप पे भरोसा करके हम कई बार बेवकूफी करते हैं, गलत काम करते जाते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम भी गलत ही होते हैं, फिर भी हम अपने लिए भरोसा करते हैं क्योंकि हम तेरे प्रेम को प्रार्थना करते हैं कि तेरे प्रेम को जान नहीं पाए, तेरे प्रेम का प्रकाशन हमारे हृदय में हो जिससे हम तेरे को प्रेम कर पाए, तेरे को भरोसा कर पाए। जो तो आदेश देता है, जो तो आज्ञा देता है, हमारे जो निर्देश देता है हमारे जीवन के लिए, हम उसको चल पाए, इसलिए हमारे जीवन में तेरी योजना, तेरी परिकल्पना इस मसीह के पवित्र नाम से था। आमीन। अगर आप आज इस वचन से आशीषित हुए हैं तो कृपया भक्ति वचन को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अगले दिन हम यूसुफ की आज्ञाकारिता को और गहराई से जानेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, परमेश्वर की महिमा हो। जय मसीह।